नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता में आज 5 दिवसीय नाबार्ड उद्यमी मेला 2024 का शुभारंभ किया गया। नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड में उद्यमी मेला जिला स्तर पर पहली बार मनाया जा रहा है, जिसमें जिला नैनीताल और अन्य जिले से आई उद्यमी महिलाओं के 40 स्टॉल लगाए गए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नाबार्ड विभिन्न योजनाएं चला रहा है। वहीं नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मुकेश बेलवाल ने मेले का शुभारंभ करते हुए बताया कि इस तरह के मेलों से महिलाओं के द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को स्थानीय बाजार उपलब्ध होगा। आज जैसे आप देख पा रहे हैं, हम जिला लेवल पे एक मेला करवा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 40 स्टॉल हमने आयोजित किए गए हैं। हमारे साथी संस्था जो प्रगतिशील है, तो इनके अरेंजमेंट के द्वारा हम लोगों ने ये 40 स्टॉल कराए हैं, जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिशंस भी आए हैं। चाहे वो हमारा जूट का काम कर रहे हैं, चाहे फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमारे मूंज घास के कुछ आइटम्स हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं डायरेक्टली कुछ अपना प्रोडक्ट बेच पाएं इस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से। वहीं मेले में खटीमा से अपने उत्पाद बेचने आई सुरेंद्र देवी राणा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से उनका उत्साह बढ़ता है। और ये नाबार्ड से थ्रू मेरा समूह बना था 2008 से, और 2014 में मैंने ट्रेनिंग ली थी। और जो प्रोजेक्ट जो है, जो परंपरा है हमारे, जो दादी नानी पहले घर पे बनाती थी, लेकिन जब मैंने जब से ट्रेनिंग ली है, जब से मुझे बाहर जाने का मौका मिला और प्रतिभाग करती हूँ मैं, हर स्टेज से मुझे आया जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। जो मेरे साथ की जो महिलाएं हैं वो घर बैठे पैसे कमा रही हैं और मुझे बाहर भेजती हैं। यहाँ से 2019 में मैं लेह लद्दाख भी पहुँची थी, वहाँ पर 15 दिन का प्रोग्राम था, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सेल हुआ था। जम्मू पहुंची हूँ और जम्मू में अच्छा सेल हुआ, मतलब हर स्टेट में मुझे बुलाया जाता है, वहाँ पर प्रतिभाग करती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है।